हेलो एस्पिरेंट्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे 29th of February 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन होनी है आने वाले प्रीलिम्स 2024 के कंटेक्स्ट में, वो सभी यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा जो प्रीलिम्स 2024 यूपीएससी है उसी को लेकर ही हमारी यूपीएससी न्यूज़ रूम सीरीज चल रही है, और उसी के अंडर जो है हम मोर देन 13+ न्यूज़पेपर्स का हम एनालिसिस करते हैं, और जो भी एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज है सिर्फ वही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और कंसिस्टेंट चल रही होगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं विद फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे, दैट जीनोम ऑफ 10,000 इंडियंस फ्रॉम 99 डाइवर्स कम्युनिटीज सीक्वेंस्ड। तो ये न्यूज हमने कल भी देखी थी, आज फिर से ये इस पर रिलेटेड आर्टिकल था, तो मैंने देखा ये काफी रिलेवेंट न्यूज है, इसको फिर से हम देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से ये उनके अंडर ये एक प्रोजेक्ट था, और इसमें काफी सारे इंस्टीट्यूट जो है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें मैंने लीड इंस्टीट्यूट भी बताया कल की दो लीड इंस्टीट्यूट थे, एक IIC बेंगलोर और एक और इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो दोनों लीड इंस्टीट्यूट थे। बाकी मोर देन 30+ इंस्टीट्यूट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद जो हमारी इंडिया की जो लगभग 99 कम्युनिटी जो हैं उनसे इन्होंने ये डेटा लिया और उसको जो है कंपाइल किया, और टोटल जो है ये बताते हैं कि 10,000 हेल्दी जीनोम जो हैं वो इन्होंने सीक्वेंस किए हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर किया है। और इसमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर कहाँ पर किया जाएगा और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये पता रहे आपको कि एक्चुअल में इसको आने वाली जो भी या एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग जो भी हमारे पास डिजीज हैं जिनकी अभी भी जो है एडवांस थेरेपीज या ड्रग्स बनाना बाकी है उनके लिए यूज होगा, बाकी जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनको कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जीनोम के थ्रू जो डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है इनको कस्टमाइजेबल ड्रग्स और थेरेपीज जो है वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज को प्रोवाइड कराई जा सकती है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा और एक एडवांस स्टेज होगी अगर मेडिकल साइंस में देखा जाए तो इस केस में जो है ये बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हुआ है, और भी कंट्रीज हैं, जैसे कि आप यूके देख लीजिए, चाइना, यूएस, ऐसी और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके अलावा भी, वो सब में भी ये सिक्वेंसिंग का काम चल रहा है, और एटलीस्ट 1 लाख ऑफ जीनोम तो इन तीनों कंट्रीज में ही देखने को मिलता है कि इन्होंने कम से कम 1 लाख जीनोम जो है वो तैयार किए हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम कि डेटा को रखा कहाँ जाएगा या स्टोर कहाँ किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखें कि जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, वो एक्चुअल में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ही अंडर आता है, और इसकी लोकेशन क्या है, ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पर जो है डेटा को स्टोर किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। आफ्टर दैट जो सेकेंड न्यूज है वो देखते हैं कि जो मणिपुर की पुलिस है उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट मिटी आउटफिट। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि मणिपुर में अभी भी जो इश्यू चल रहे हैं वो नॉर्मल नहीं हुए हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स वहां पर अच्छी खासी चल रही हैं, और उसी दौरान जो है वहां पर कभी वहां की सिक्योरिटी फोर्सेज या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्सेज या स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेज के साथ जो है वहां की जो लोकल रेडिकल आउटफिट है उनके साथ कुछ ना कुछ इश्यू अभी भी चल ही रहे हैं रेगुलर। तो यहां पर एक इश्यू आया कि जो आरामबाई टेंगोल है एक्चुअल में ये वहां की एक रेडिकल मिटी आउटफिट है। ठीक है, या एक रेडिकल मिटी ग्रुप है, तो उसकी तरफ से जो है पुलिस के साथ कुछ इशू रहा, और यहां से जो है इन्होंने पुलिस के जो ASP हैं वहां के उनको जो है कल अरेस्ट तो नहीं बोलेंगे उनको जो है एक तरह से वहां से जो है अगवा कर लिया, और उसके बाद से जो है पुलिस ने अपने तरफ से जो है एक प्रोटेस्ट किया कि ये ठीक नहीं है और ये सब चीजें हैं। तो वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी खासी बनी हुई हैं अभी भी, और एक्चुअल में यहां पर कुकी मिजो ट्राइब के बीच यहां पर अच्छा खासा इशू जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 10 मंथ से जो है यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो ये पिछले ईयर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर चल रही है मिटी ट्राइब्स के साथ में और कुकी मो ट्राइब जो है इनके साथ में, तो यहां पर जो है अभी भी इनका सोल्यूशन नहीं निकला है। जो लास्ट ईयर वहां के हाईकोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया था तो वहां पर रिजर्वेशन रिलेटेड जो डिसीजन था उसके बाद ये सब इश्यू हुआ था। तो फिलहाल देखते हैं इसमें आगे जाकर क्या आता है, अभी देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो है डिसीजन को फिर से चेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है
कि 2023 में जो एप्लीकेशंस आई हैं असाइलम सीकर्स की वो 7 इयर्स की हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहां समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में अराउंड 11 लाख या 1.1 मिलियन पीपल ने जो है अप्लाई किया है फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन इन 2023, और इसमें सबसे ज्यादा सीरिया से गए हैं और सेकेंड वन अफगान नेशनल्स। ठीक है, तो फर्स्ट सीरिया की हालत आपको पता ही है कैसा इश्यू है वहां पर, पूरी तरह से अनस्टेबिलिटी है अगर पॉलिटिकली देखें, और साथ ही साथ आप अगर वहां पर इकोनॉमिकली भी देखें तो अच्छी खासी जो है पॉवर्टी और काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में सीरिया है। अफगान का इशू भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान में जब से वापस से तालिबान ने अपना कब्जा किया है उसके बाद से वहां पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि जेंडर बाइस का तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही ब्रेक हो रहे हैं वहां पर, वीमेंस को बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, वापस उन्होंने वही जो पुराने जमाने के जो इस्लामिक रूल्स हैं वो एप्लीकेबल कर दिए हैं, और वीमेंस के लिए तो ओपन एक्सेस ही बंद कर दिया है, एजुकेशन को लेकर ऑफिस में अगर वो जॉब कर सकती हैं वो भी बंद कर दी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी वहां पर देखी जा रही है। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये देखा जाता है कि ये पर्टिकुलरली उन लोगों को ज्यादा जो प्रायोरिटी में रखती है या उनको जो है असाइलम सीकिंग एप्लीकेशन को ये एक्सेप्ट करते हैं या अप्रूव करते हैं जिनमें जो है इन्हें लगता है कि ये किसी पॉसिबल प्रोजुकेशन को अवॉइड करने के लिए या फिर अपनी खुद की सेफ्टी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वो जहां पर रह रहे हैं वहां पर उनको अपनी सेफ्टी को लेकर डर है, उनकी जान को खतरा है, या उनके जो है उनके साथ रेशियल या जेंडर या सेक्सुअली या रिलीजियस बेस्ड जो है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अगर ऐसी संभावना लगती है उनको ये जो है अप्रूव करते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई अगर वहां पर सिर्फ जॉब सीकिंग के लिए या बेटर लाइफ के लिए अगर अप्लाई कर रहा है और इसका अगर उन्हें अंदाजा होता है तो उनकी एप्लीकेशन को जो है कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं कि जो कैग है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यहां पर एट प्रेजेंट जो कैग है हमारे वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, द फॉर्मर एलजी ऑफ लद्दाख। ठीक है, या फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हम जो है एआई बेस्ड जो डेटा एनालिटिक्स है उसका यूज करेंगे, एआई मशीन लर्निंग इन सब का यूज करेंगे, और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें जो ऑडिट्स होता है उनके लिए भी क्या करेंगे हम जो नए कोर्सेज बनाएंगे उनमें इसका यूज करेंगे, और उसको जो है अब मॉडर्न टाइम में जो बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में जो है इसको जो है एक तरह से इवोल्व किया जाएगा। तो इसमें ये एक चीज ध्यान रखें आप कि कैग के रोल क्या होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी दिसंबर में इस बारे में पूरा डिस्कशन में कैग की कोई भी न्यूज जो है वो या कैग से रिलेटेड प्रीलिम्स से आने वाले क्वेश्चन के जो भी पॉसिबल डायमेंशंस होते हैं वो सारे कवर किए थे, आगे मैं इसका एक एवी स्पेशल लूंगा कैग के ऊपर, लेकिन फिलहाल इसमें यह आइडिया रहे आपको कि कैग जो है वो इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये पता रहे आपको क्या क्या इसके टास्क होते हैं, क्या क्या इनके पास जो है पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 148 टू आर्टिकल 154 के अंडर जो है कैग के ये आर्टिकल्स हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या टेन्योर है और किस तरह से ये काम करते हैं वो सब चीजें हम देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं, कार्ड्स इन फोर्स राइज 2% इन जनवरी, इकोनॉमिक डेटा बेस्ड न्यूज है, मैंने बस एक बेसिक नॉलेज के लिए रखा, एक आइडिया रहे, आप मेंस में इसको बहुत ही अच्छे से डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का डेटा आया है वो ये कह रहा है कि हम जल्दी ही जो है इंडिया में टोटल 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स के डेटा के नजदीक हैं, क्योंकि अभी 9.95 करोड़ टोटल क्रेडिट कार्ड्स अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी 2024, और इसमें हाईएस्ट नंबर जो है वो एचडीएफसी बैंक का है जिसने खुद ने अकेले ने जो है 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड से ऊपर जो है क्रॉस किया है, यानी कि मोर देन 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स अकेले एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखे जाए कि इन क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा यूज कहां पर हो रहा है तो ई कॉमर्स पेमेंट जो है उनमें इनका सबसे ज्यादा यूज हुआ है, वो ऑलमोस्ट 65% ई पेमेंट या ई कॉमर्स पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हुए हैं, साथ में जो POS पॉइंट ऑफ सेल है ट्रांजेक्शन्स वहां पर रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है, और इसमें टॉप 4 इश्यूअर देखेंगे अगर तो HDFC बैंक टॉप पर है, एंड आफ्टर दैट दी एक्सिस बैंक आप देखेंगे। ठीक, तो ये एक आइडिया आपको होना जरूरी है। यहां पर कार्ड वाइज अगर हम देखते हैं द फर्स्ट वन इज HDFC, सेकेंड वन इज HDFC, थर्ड वन इज ICICI एंड द फोर्थ वन इज
एक्सिस बैंक, ओके। तो इस डेटा को आप ध्यान में रखें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी कोई खास चेंज नहीं आएगा। हाँ, फिगर्स में चेंज आ सकता है, बट अगर आप देखें रैंक वाइज तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि साउथ कोरिया रिटेल इन्वेस्टर्स ज्वाइन द क्रेज फॉर इंडियन बॉन्ड्स। तो इंडियन बॉन्ड्स हैं वो काफी जो है अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, और एक तरह से चाइना के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अल्टरनेटिव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना में जो बॉन्ड्स की हालत हुई है पिछले दो या उससे भी मोर देन, क्योंकि जब से कोविड इश्यू हुआ उसके बाद से चाइना की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से जो है उसको जो है हालत खराब हुई है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी कम हुई है, और एक तरह से स्लो डाउन वाली स्टेज काफी बार देखी गई है, और अभी भी देखा गया है कि कंटिन्यूअसली चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो कंपेरेटिवली इंडिया से कम है। एक्सपोर्ट्स भी डिप हुए हैं इनके, और वहां पर डोमेस्टिक क्राइसिस भी अच्छा खासा देखने को मिला है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में या सेक्टर्स में देखा जाए तो, और स्पेसिफिकली वहां पर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा जो है नुकसान वाली स्थिति में रही है। तो इस वजह से, और वहां का रियल इस्टेट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर जो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो भी काफी कम हुई है या लेस अट्रैक्टिव रहे, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पर इंडियन बॉन्ड्स हैं, उन पर काफी इन्वेस्टमेंट की जो है डिमांड्स आ रही है, और इसमें साउथ कोरिया से भी अच्छे खासे इन्वेस्टर जो हैं यहां पर इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे बॉन्ड्स में। तो ये एक न्यूज है जो अच्छी न्यूज है हमारे अगर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में या इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, बस एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आप इकोनॉमी वाइज एक आइडिया होना जरूरी है कि कंट्रीज को अगर कंपेरेटिवली देखा जा रहा है एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें ये देख सकते हैं कि जापान के भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिशनली यूएस की तरफ इंक्लाइंड होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो साउथ एशियन नेशंस जो हैं उनमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और वहां पर जो है एट प्रेजेंट जो है चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर जो है इंडिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा है या इंडिया उसमें सामने उभर कर आ रहा है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो इंडिया की जो अटेंशन है इंडिया वहां पर सबसे ज्यादा अटेंशन गेन कर रहा है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट न्यूज है वो देखते हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ क्रिटिकल मिनरल ऑक्शंस, तो वो अभी होने थे 29th को, तो उसकी 1st of March यानी नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उसमें देखेंगे कि ये किस किस के कंटेक्स्ट में ये हुआ है ऑक्शन, कौन कौन से मिनरल्स को के कंटेक्स्ट में ये चीजें हुई हैं, और लोकेशंस क्या क्या हैं, और कौन सा इनमें से सक्सेसफुली ऑक्शंस हो चुके हैं, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कशन में इसको देखेंगे। इंडिया ने जो टारगेट भी रखा हुआ है वो है कि हम 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से सोर्स करेंगे बाय 2030, ये टारगेट इंडिया ने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया रहे, और UNFCCC को जो हम हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हर कंट्री अपनी तरफ से देती है उसमें भी हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर हमने ये देखा कि ऑलरेडी फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट ट्रांच ऑफ क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन है वो हो चुका था, कुछ पर्टिकुलर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दो ब्लॉक्स में जो है ये हुआ था, लिथियम के दो ब्लॉक्स हुए थे, कॉपर निकल ग्लाउकोनाइट ग्रेफाइट एंड मैग्नीज, ठीक है, साथ में मोलिब्डेनम भी था। तो ओवरऑल 20 मिनरल ब्लॉक थे अक्रॉस दी 8 states, वहां पर जो है ये फर्स्ट स्टेज में हमने ऑलरेडी कर लिया है ऑक्शनिंग, आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कोई खास पॉलिसी नहीं थी और इनको हमने अलाउ भी नहीं कर रखा था ऑक्शनिंग के लिए, लेकिन हमने क्या किया कि 2023 में हमने वहां पर गवर्नमेंट ने जो है MMDR एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया और कुछ पर्टिकुलर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको ऑक्शनिंग के लिए अलाउ किया, और उस टाइम जो लिस्ट तैयार की उसमें हमने टोटल 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया कि ये स्ट्रेटेजिकली जो है कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और इनकी ऑक्शनिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इनके माइनिंग और इनके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, IT सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हैं, या आने वाले टाइम में और भी जो एडवांस चीजें बनने वाली हैं उनमें क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि जो डायनामिक कोलाबोरेशन है, किसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज है कि अभी इंडिया और जापान की जॉइंट जो है आप देखें तो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, और उसकी जो धर्म गार्जियन करके है वो होती है, और ये अल्टरनेटिवली इंडिया और जापान में होती है, एनुअल है। तो इस बार ये इंडिया में बीकानेर के
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये हुई है, ठीक है। तो धर्म गार्जियन से समझे, जिसमें इंडियन आर्मी थी और जापान की तरफ से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि लैंडर्स नीड टू डिस्क्लोज स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो अभी क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से एक नया क्या किया है कि एक ड्राफ्ट सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर वो लेकर आए हैं, और उसमें इन्होंने क्या रखा है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, साथ में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप देखेंगे किन किन पर ये एप्लीकेबिलिटी होती है तो ये भी आपको अंदाजा होना बहुत जरूरी है इस बारे में। जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं आपके, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स ये इसका पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, और जो लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो भी होंगी। अब ये जो फाइनल आएगा उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इसमें ये क्लासिफिकेशन को किस तरह से रखा जाएगा। ये फिलहाल ड्राफ्ट है, लेकिन एक आइडिया रहे कि आरबीआई जो है क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स को लेकर सीरियस है, और प्रीवियस ईयर में 2023 में आरबीआई की तरफ से काफी डिस्कशन हुआ था। जो एनुअल रिपोर्ट आरबीआई की आई थी लास्ट वाली, उसमें आरबीआई ने बाकायदा अलग से इस पर एक चैप्टर रखा था और उस पर डिस्कस किया था कि आरबीआई ये देखना चाहता है कि जो हमारी इकोनॉमी रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं उनका क्लाइमेट पर जो है वो क्या रोल है, उस पर आरबीआई जो है वो काफी सीरियस है, क्योंकि इसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क जो है इसके नाम से इन्होंने इसको फ्रेमवर्क को लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये जरूरी होता है क्योंकि आपको क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिस्क देखेंगे। जैसे आप देख लीजिए ड्रोट आ गया, उस वजह से काफी इश्यू हो जाते हैं, जैसे अच्छे खासे फार्मर्स ने लोन ले रखे हैं और अब वो ड्रोट की वजह से उनके पास प्रोडक्टिव नहीं हुई है, तो उस वजह से वो अपना लोन तो वापस दे नहीं पाएंगे, ठीक है, ऑन टाइम। तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को उसकी जो है भरपाई के लिए उन्हें छूट देनी होगी या जो भी चीजें करनी होगी, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिस्क तो हुआ वहां पर बैंक्स का। साथ में ऐसी और चीजें होगी, जैसे आप देखेंगे कि साइक्लोन की वजह से एकदम से फ्लड आ गया किसी एरिया में और अच्छा खासा जानमान का नुकसान हो गया, या फिर देखें वहां पर फाइनेंशियल असेट्स थे उनका अच्छा खासा लॉस हो गया, और साथ में आपने देखा कि वो फाइनेंशियल असेट्स एक्चुअल में क्या थे कि वो लोन पर जो कैपिटल लिया हुआ था तो अब उसका जो है रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो उनको जो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में उसको जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से अभी इस पर फाइनल जो चीजें आएंगी जब ये एप्लीकेबल होगा, फिलहाल ये ड्राफ्ट है तो उसके बाद इसको डिटेल में रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये पता रहे कि ये आरबीआई और साथ ही साथ यूपीएससी के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आरबीआई के मेंस में भी और यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो गोल हमने रखा हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल इतना ही इंक्रीज होने देंगे, जो पेरिस क्लाइमेट डील में हमने बात की थी, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको 1.5 डिग्री तक ही जो है वो कंटेन कर पाए, लेकिन स्थिति कुछ अलग है। अभी जिस तरह से डेटा आ रहे हैं उसमें ये देखने को आ रहा है कि जो 1.5 वाला जो गोल है या थ्रेशोल्ड है वो तो हम बाय द एंड ऑफ द करंट डिकेड ही हम उसको जो है क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि एक तरह से आप 2030 तक ही इसको या उससे भी इवन पहले ही जो है ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। तो यहां पर एक स्टडी हुई है जो कि अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट फॉर पोलर एंड मराइन रिसर्च इन जर्मनी है, वहां के जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से रिसर्च हुई है, और उन्होंने बताया है कि जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइस शीट है और वो कौन सा है, फिल्चनर रोने आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका, तो उसके जो है मेल्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज होगा और अच्छे खासे चेंजेस जो हैं वो अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलेंगे, और ये एक तरह से क्लाइमेट रिलेटेड बहुत बड़ा जो है इसकी वजह से चेंज आएंगे। तो इस पर जो है फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि ग्रेजुअली जो है इसका साइज कम होता जा रहा है, साइज शेल्फ का, और इसकी ज्यादा मेजर रीजन ये है कि यहां पर जो वाटर टेम्परेचर एक्चुअल में होता है इस आइस शेल्फ के आसपास का, वो एक्चुअल में वहां की अंटार्कटिक कोस्टल करेंट्स जो होती है उनकी वजह से जो है रेगुलेट होता रहता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि इस वजह से ये जब ये कोस्टल करंट की जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से क्या होता है कि ये अदर एरिया का जो वार्म वाटर है वो इस तरफ लाती रहती है, उसका फ्लो जो है इस एक तरह से फिल्चनर ट्रफ जो है उसके
आसपास आता रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जब कंसिस्टेंटली मोर वार्म वाटर और कंपेरेटिवली एट द हाई टेम्परेचर अगर वार्म वाटर वहां पर आता रहेगा, तो उस वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि आइस शीट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी और उसका ग्रेजुअली साइज जो है वो कम होना स्टार्ट होगा। तो ये एक बड़ा इश्यू यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वेडल सी भी आप देखेंगे अंटार्कटिक में, उसकी बॉर्डर भी जो है इसके साथ में लगती है, ये भी ध्यान रहे आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं, दैट व्हाई गूगल्स जेमिनी फाइंड्स इटसेल्फ इन अ बाइंड। तो बस इतना ध्यान रहे, बार बार ये न्यूज आई है कि जो जेमिनी है वो एक्चुअल में गूगल का पहले जो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था बार्ड करके अपना एआई सिस्टम, उसी को रीब्रांड करके इन्होंने जेमिनी कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया इसमें कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ओपन चैट जीपीटी आया था, ओपन एआई चैट जीपीटी, उसको जो है इन्होंने एक तरह से उसके कंपटीशन में इन्होंने जल्दबाजी में क्या किया कि बार्ड की लॉन्चिंग की और फिर बार्ड में कुछ कमी आई तो इन्होंने जो है उसको एक तरह से रेपुटेशन की बात हो गई, तो इन्होंने जेमिनी करके नया इसको रीब्रांडिंग किया और ये दिखाने की कोशिश की कि ये वाला हमारा बहुत ही अच्छा वाला है, नया वर्जन है, और इसके इवन जो है इन्होंने प्रीमियम वर्जन्स भी लॉन्च कर दिए, पेड वर्जन्स। लेकिन बाद में अभी आया सामने कि यूरोपियन कंट्रीज में और साथ साथ इंडिया में भी ये देखने को मिला कि जब इस पर सर्च रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं तो वो काफी ज्यादा जो है एक तरह से गलत भी हैं, और काफी जगह ये भी देखा गया कि वो जो है बाइस्ड है। लाइक कई जगह बताया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिसर्च किया गया तो उनके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन आई नहीं यहाँ पर, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में देखा गया तो बड़ी अजीब पिक्चर्स आई, जो ऐसा बताया गया कि इनकी ज्यादा रिलेवेंसी नहीं थी या ये कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेट ही नहीं करती थी या बाइस्ड उनमें इन्फॉर्मेशन शो की गई। तो इसके बाद से जो है गूगल को अच्छी खासी जो है लोगों की तरफ से सुनना पड़ा सोशल मीडिया पर, और इसकी वजह से एक तरह से इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि इसको जो है गूगल सीरियसली देखे, क्योंकि इंडिया में अभी जनरल इलेक्शन होने हैं और इसकी वजह से कोई गलत तरह की इन्फॉर्मेशन या ऐसा मिसयूज होता है इसका, तो वो जो अभी गवर्नमेंट इन पावर है उसको जो है ये बिल्कुल नामंजूर होगा। तो इसलिए इनको एक बहुत ही जो है एहतियात के तौर पर कड़ी चेतावनी भारत सरकार की तरफ से भी दी गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, दैट प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की पहली इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो है वो इनॉग्रेट की है, और ये आप देखेंगे कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है उनकी तरफ से इसको बनाया गया है, और इसकी अगर वो देखें कि किस जगह पर लॉन्चिंग हुई है तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में इसकी लॉन्चिंग जो है वो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने की है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरलूप को लेकर एक आर्टिकल था हिंदुस्तान टाइम्स से, तो मैंने इसको लिया क्योंकि काफी लंबे टाइम तक ये न्यूज में था, पिछले ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स पहले बहुत ज्यादा डिस्कशन में था, अभी इसका डिस्कशन थोड़ा कम हुआ है तो अब चांसेस हो जाते हैं कि हो सकता है कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाए यूपीएससी की तरफ से, तो ये ध्यान रखना होगा कि ये कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में। तो हुआ क्या था कि ये स्पेसएक्स के जो इलॉन मस्क थे इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करना शुरू की और उनका प्रपोजल आया, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि ये एक बड़ा रिलेवेंट कंसेप्ट है, और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्म भी बनाई वर्जन हाइपरलूप, जिसको बाद में इन्होंने हाइपरलूप 1 बोला, और कहा कि हम इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं, और इनकी तरफ से जो है यूएई में अपना इसका फर्स्ट जो है एक तरह से अक्रॉस द ग्लोब इनका मेडन प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो गया था, साथ ही साथ इंडिया में भी जो है कुछ इसको लेकर एमओयूज हुए, जैसे इंडियन रेलवे के आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू हो रखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है वर्जन हाइपरलूप कंपनी जो है यूएसए की उनके साथ हो रखा है कि वो भी जो है इसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि इसको लेकर इंडिया में भी देखा जाए, क्योंकि इंडिया मुंबई का अगर ये सक्सेसफुली जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये 700-800 माइल्स पर आवर की स्पीड जो है ये अचीव की जा सकती है, जो कि विच वुड बी इवन मोर देन दी एरोप्लेन, तो अगर ये हुआ तो दिल्ली से मुंबई के बीच की डिस्टेंस जो है वो केवल और केवल 1 आवर या 60 मिनट में जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, इवन ये पॉसिबल होगा कि आप दिल्ली मुंबई के बीच में अप डाउन की भी पॉसिबिलिटीज में पड़ जाएगी। तो इस वजह से जो है इस पर अभी भी इसके बेनिफिट्स तो काफी ज्यादा हैं, और इसीलिए इसको सीरियसली लिया जा रहा है। किस तरह से वर्किंग होगी अभी उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि जब ये बनकर आया ही नहीं है तो इससे पहले हम इसकी वर्किंग पर बस ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन है तो इतना रिलेवेंसी नहीं है। जब इन प्रैक्टिकल अगर ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इन सब चीजों को देखने का लॉजिक बन जाएगा। अब इसमें ये समझ सकते हैं कि
डिस्टेंस को जो है बहुत कम टाइम में आप जो है क्विकली इसमें जा पाएंगे, पर्टिकुलर टाइम टेबल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये एयरपोर्ट्स एक तरह से ट्रांसपोर्ट्स होंगे जो कंटिन्यूसली जो है आप देखेंगे कि एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक जो कि पूरी तरह से वैक्यूम ब्लॉक होगा, उसमें कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर इंटरवल पर जो है वो मूव करते रहेंगे या तो एक डायरेक्शन से। तो इसकी वजह से जो है आप किसी भी ब्लॉक में जब आप की जो जो भी विजिट होगी आप जो है उसमें एंटर कर सकते हो, इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, टाइम एफिशिएंट होगा, एनर्जी एफिशिएंट बताया जाता है, इनिशियली बताते हैं एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस तरह से स्पीड और एफिशिएंसी देखी जा रही है इसकी जो एक्सपेंसिवनेस है वो उसके साथ जो है एक तरह से उसका भी कोई वो नहीं रह जाता है, क्योंकि इवन ये एरोप्लेन से भी ज़्यादा क्विकली आपको जो है मूवमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ज़्यादा सेफर माना जाता है स्पेशली इन नेचुरल कैलामिटीज के केस में, लाइक आपका बेड वेदर है क्वेक्स ऐसी इशू में, और एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी इसको माना जाता है कि ना तो नॉइज पोल्यूशन का इशू होगा, ना ही एक्सेसिव एमिशंस इसकी वजह से होंगे, और मोस्ट ऑफ दी ऐसे चांसेस रखे जाएंगे कि अगर आप सोलर एरे इसके ऊपर जो है सोलर एरे अगर लगाते हैं तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी जो एमिशंस हैं एक तरह से वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं कि इसको एक्चुअल में कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है, पर इसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है अभी, क्योंकि ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होने वाली है, तो उस पर जो है फिलहाल काम चल रहा है। और जब सोफिस्टिकेशन ज़्यादा चाहिए होगा आपको तो ऑब्वियसली इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इनिशियली जो है एक प्रोटोटाइप के बेसिस पर, एक मॉडल के बेसिस पर जो है अभी फिलहाल इस पर जो है काम चल रहा है। तो देखते हैं, यूएसए में भी चल रहा है, यूएई में भी चल रहा है, और इंडिया में भी इस बारे में जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बेसिस पर ये चर्चा चल रही है। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स आगे काफ़ी लंबे टाइम बाद आने हैं, पर एक आइडिया रहे हाइपरलूप का। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, कि जो चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट लेकर आया गया था उसको एक्चुअल में अब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और इन्होंने साफ साफ बोला कि जब ट्रेड रिलेटेड अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ने जो है इस पर सहमति बना ली है, इसलिए इन पर्टिकुलर कंट्रीज के कंटेक्स्ट में ही जो है इस जो एग्रीमेंट या पैक्ट जो है उसको WTO की रूल बुक में जो है इसको शामिल कर लेना चाहिए। तो इस पर जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से साफ साफ बोला गया कि जब अगर आप इसको एग्रीमेंट तो मान नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ये तो कंसेंसस से होना चाहिए, सभी मेंबर्स की जो है इस पर सहमति होनी चाहिए, और WTO का ये कंसेप्ट ये कि वो ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को तो पूरी कंसेंसस के साथ ही जो है अपनी रूल बुक में लेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पर बात करें तो इसमें ये साफ साफ बताना होगा कि अगर ये ट्रेड रिलेटेड है तो आपको सभी मेंबर्स को एक साथ लाना होगा, और उनकी सबकी तरफ से जो है जब तक रेटिफाई नहीं होता है तब तक जो है आप वैसे भी किसी पैक्ट को जो है एक एग्रीमेंट के तौर पर नहीं बता सकते। तो इस तरह से जो है इस पैक्ट को हमने कैंसिल या ब्लॉक करवा दिया है, और एक्चुअल में इसमें ग्लोबल नॉर्थ और चाइना जो है उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन देखा जा रहा था, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज इसके पार्टनर नहीं थे। आफ्टर दैट इसमें एक चीज और है, इंडिया ने साफ साफ बोला कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है एक्चुअली उसको रिवाइव करिए, प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, पिछले मोर देन 4 ईयर से जो है वो वर्किंग नहीं है, और इस वजह से काफ़ी सारी जो पिटिशंस WTO की अपलेट बॉडी के पास आ रखी हैं उन पर कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, और इस वजह से जो है मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा नुकसान हो रहा है रादर देन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये इसको लेकर इन्होंने एक अल्टरनेटिव की बात की फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन और US ने, कि आप इसके अल्टरनेटिव के तौर पर ये देख सकते हैं कि जब तक आपके पास ये अपलेट बॉडी जब तक आती नहीं है तब तक जो है आप इसके अल्टरनेटिव के तौर पर जो भी डिस्प्यूट्स हैं आपके वो EU के जो मल्टी पार्टी एंट्रीम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट है उसके अंडर आप इनको ले सकते हैं। तो इस पर न्यू दिल्ली ने साफ साफ कहा कि हम इस पर्टिकुलर या एक ब्लॉक बेस्ड जो है उसके पास हम हमारी पिटिशंस को लेकर क्यों जाए जब हमारे पास हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के टोटल 164 कंट्रीज इसके साथ कंसेंसस बेस्ड है और जो कि ऑलरेडी वर्किंग था, तो उस अपीलेट बॉडी को छोड़कर हम ये वाला जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस पर इंडिया पूरी तरह से डिसएग्री हो गया। तो फिलहाल देखिए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेवर में जो है डिसीजन नहीं आ रहे थे अपीलेट बॉडी की तरफ से, उसकी वजह से उस टाइम के जो उनके प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप, उन्होंने जो है इसमें जो है नए मेंबर्स की अपॉइंटमेंट्स पर जो है ब्लॉक कर दिया था, उसको अपॉइंटमेंट्स को बंद कर दिया था US की तरफ से। तो जब तक US इसमें ओके नहीं कर देता तब तक नए जो है इसमें
मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, वो वैकेंसी रहेगी। टोटल आउट ऑफ 7 मेंबर्स अभी सिर्फ 4 मेंबर्स वहां पर हैं, 3 मेंबर्स की वैकेंसी है और तब तक जो है अपीलेट बॉडी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया ने कहा कि सबसे ज्यादा क्रूशियल जो है पहले उस डिसीजन को जो है हमें देखना चाहिए, उसे पहले कर लेना चाहिए रादर देन अदर इश्यूज को नए तरीके से जो हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं उन पर बाद में जाना चाहिए। और ये बिल्कुल रिलेवेंट बात भी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए तो। इंडिया ने साफ साफ बोला कि इंडिया नहीं रादर यूएस जो है वो हर्डल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट को रोका जा रहा है, इस वजह से जो है अच्छे खासे इश्यू जो है वो पेंडिंग रखे हुए हैं। साथ में यहां पर एक चीज और भी हुई थी, कुछ क्रूशियल इश्यूज थे उन पर जो है बातचीत हुई। और उसके बाद से क्या हुआ कि जब इंडिया के कुछ प्रपोजल्स आए उनको यूरोपियन यूनियन और यूएस ने भी ब्लॉक किया, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने इंडिया की तरफ से एक प्रपोजल आया कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है उनको ट्रांसफर करने की जो आप कोस्ट है उसको कम किया जाए ग्लोबली, ठीक है। तो इसको यूरोपियन यूनियन और यूएस ने ब्लॉक किया। साथ में यह भी कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास जो फिश सब्सिडीज को लेकर जो है उन्होंने अपने कुछ एक्सक्लूसिव क्लब्स बना रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और इसके बेसिस पर जो है डेवलपिंग कंट्रीज को एक तरह से आप जो है इनको ट्रांसमिशन के लिए एक मोराटोरियम देना जरूरी है जो कि एटलीस्ट 25 ईयर्स का तो होना ही चाहिए। तो इसको भी जो है यूरोपियन यूनियन और यूएस ने ब्लॉक किया है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अब फाइनल जो आउटकम होगा वो हम कल के न्यूज़पेपर में आई थिंक आ जाएगा, तो इसको एक एवी स्पेशल इशू में पूरा देख लेंगे। एक और अच्छी न्यूज ये है कि इंडिया स्लोली ईटिंग इनटू चाइनास इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, जो कि बड़ी ठीक खबर है, बड़ी अच्छी खबर है कि अब इंडिया जो है वो कम्पीट ही नहीं कर रहा बल्कि चाइना का जो एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है। ग्रेजुअली ही सही, धीरे धीरे ही ठीक है, लेकिन वी आर ऑन द राइट पाथ इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नया डेटा आया है और इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है इसमें अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोट, चाइना प्लस वन आपको पता होना चाहिए, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंफ्यूजिंग आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और इसमें यही पता रहे। चाइना प्लस वन का सीधा सा लॉजिक ये है, जब आपने देखा था कि कोविड के टाइम चाइना की तरफ से जो भी एटीट्यूड देखा गया और उसके बाद सभी कंट्रीज ने बोला कि क्यों ना हम चाइना में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इसके बजाय चाइना प्लस वन के अंडर क्या होगा कि प्लस वन का सीधा मतलब है कि अल्टरनेटिव ऑफ चाइना देखा जाए फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। और इसमें जो है इंडिया को एक बहुत ही बड़ा जो है वो एक तरह से देखा गया कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर जो है प्रोजेक्ट करने की बात बार बार चलती रही। तो ये चाइना प्लस वन कंसेप्ट ये वाला है और इसमें उतने एज एक्सपेक्टेड हमें जो है उसमें एक तरह से एडवांटेज अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें काफी ज्यादा इसमें अगर देखा जाए कंपेरेटिवली तो कंसिडर किया जाता है ग्लोबली। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं कि इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबल आईपी इंडेक्स में अनचेंज्ड है, 42 पर ही है। तो ये है क्या एक्चुअल में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इंडेक्स है वो 2024 का जो डेटा आया है उसमें ये आया है कि ये एक तो इंडिया की रैंक जो है वो 42 पर है और साथ में इंडिया का जो स्कोर है वो 38.64% है, ठीक है। और एक और चीज इसमें देखें कि स्कोर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, खास बात यह है, ठीक है, नई रैंक में हुआ है। और किसकी तरफ से रिलीज होता है, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो टोटल 55 कंट्रीज को इसमें जो है रैंक किया गया है और उसमें से इंडिया की रैंक 42 है। टॉप अगर कंट्री देखें तो फर्स्ट पर यूएस देखेंगे, सेकेंड पर आप यूके, आफ्टर दैट फ्रांस एंड जर्मनी, रेस्ट ऑफ द नो नीड टू मगअप और टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इतना आप याद रखें, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो भी एक्सेप्ट दी जापान, ऑल ऑफ देम फ्रॉम यूरोप, ओके। तो आप बस इसमें इतना ही आइडिया रखें क्योंकि ये यूएस के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, तो इतना ज्यादा डिटेल में भी यहां से कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाने वाली नहीं है। बस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसमें ये देखा जाता है कि कंट्रीज की तरफ से ये जो इंटेलेक्चुअल डेटा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डेटा है एक्चुअल में, उसके ऊपर कितने ठीक से और कितने इफेक्टिव रेगुलेशन हैं, रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, और उनका जो एक तरह से फॉलो अप है या उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पर वो किस तरह से होती है। और इसमें जो है ऑब्वियसली इंडिया काफी पीछे है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से, फॉर इसरोज लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु। तो यहां पर एक नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है वो तमिलनाडु में, ऑलरेडी इसरो काफी लंबे टाइम से इस पर काम कर रहा था
और अभी जो है प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है वहां पर, और इन्होंने इस नए जो है आप कॉम्प्लेक्स की शुरुआत देखेंगे जो कि थूडुकुडी तमिलनाडु में इन्होंने किया है। इसकी एक खास बात यह होगी कि ये लॉन्च व्हीकल किस पर्पज से बनाया गया है, तो जो SSLV टाइप का जो नया रॉकेट हमने लास्ट ईयर से यूज करना स्टार्ट किया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके लिए जो है उसको डेडिकेटेड ये एक प्रॉपर होगा, जहां पर जो है हम हमारी एक तो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव कर पाएंगे कि जो नंबर ऑफ लॉन्च है वो इंक्रीज हो पाएंगे, क्योंकि डिमांड काफी है इसरो के पास, जो फॉरेन जो है प्रोजेक्ट्स वो भी काफी असाइनमेंट्स वहां से भी आती हैं, तो इसलिए यहां पर रखा गया है कि एटलीस्ट 24 लॉन्चेज पर ईयर जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे अगर ये पूरी तरह से वर्किंग हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर इसरो के लिए और स्पेस साइंटिस्ट के लिए है, और यहां पर इसको बताया जा रहा है कि एक 986 करोड़ की ये फैसिलिटी है, तो इस बारे में आप जो है अंदाजा रखें, और ये डेफिनेटली यहां से रिलेटेड कुछ न्यूज आपको मिल सकती है। और पर्टिकुलर अगर थूथुकुडी में भी आप ये लोकेशन देखेंगे तो यह है कुलासेकरापट्टिनम, ठीक है, कुलासेकरापट्टिनम में ये लोकेशन आपकी जो वहां के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम यहां पर देखते हैं, WTO रिलेटेड ही है, काफी चीजें इसमें देख ली, जैसे फार्मर ग्रुप्स हैं, और आप देखेंगे इसमें जो CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से भी अच्छी खासी कंप्लेन जो है वो WTO में की गई, और आपने देखा होगा कि इंडिया में भी जो हमारे फार्मर्स थे उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था जब फर्स्ट डे WTO में मीटिंग स्टार्ट हुई थी तब, और वहां पर ये कहा गया था कि एग्रीकल्चर को एक तो जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है इंडिया की बातों को वहां पर माना जाए, और ये एक अच्छा था कि हमारे फार्मर्स ने इस बात को जो है पॉजिटिवली जो है वहां पर इसको सपोर्ट किया था, और ये एक तरह से ग्लोबल लेवल पर ये दिखाया गया था कि हाँ वी आर यूनिक इन द क्रोज ऑफ फार्मर्स कंसर्न्स, ठीक है, तो एज ए कंट्री वी आर इन यूनिटी, तो ये एक अच्छी बात थी। इसके बाद यहाँ पर ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए जो एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर, तो इसमें एक चर्चा ये हो जाती है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में ये हो जाता है जब आपने ये कह दिया कि ओवरऑल 10% का जो है हम लिमिट रखेंगे कि 10% से ऊपर जो है आप अपनी सब्सिडीज नहीं देंगे, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का, लेकिन इस केस में इंडिया के केस में अलग चीजें हो जाती है, एक तो पॉपुलेशन आपकी हाईएस्ट है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, साथ में ये देखना जरूरी हो जाता है कि इस पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा जो पार्ट है या मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो लोअर इनकम में आता है और दे डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिकली कुछ पर्टिकुलर एरियाज को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में इकोनॉमिकली जो अगर आप देखेंगे तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रह गई है या इकोनॉमिकली इतनी वाइबिलिटी उसकी नहीं रह गई है, बट इस वजह से इनकम्स जो है हमारे फार्मर्स की वो कम होती जा रही है, और इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी जो है सब्सिडीज भी देनी पड़ती हैं, जैसे यूरिया रिलेटेड सब्सिडी है, फ्यूल रिलेटेड सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कई जगह कई स्टेट्स में दी जाती है, साथ ही साथ MSP पर आपको जो है प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है, तो वो सब प्राइसेस जो है वो 10% के अगर हम क्राइटेरिया में इनको कर देंगे तो ये काफी कम होता है, और इसमें तो हम जो है प्रॉपरली जो एक तरह से जो जेन्युइन जो फार्मर्स हैं उनको जो है इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हमने जो है बार बार जो है इंडिया ने यहाँ पर अपनी डिस्कशन रखी। बाली एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें एक बार जो है मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस पर ओके किया था, लेकिन फिर से नेक्स्ट मीट में जो है प्राइम मिनिस्टर जब चेंज हुए तो उन्होंने वापस से जो है इस चीज पर कहा कि हमें जो है एक स्पेशल प्रोविजन में रखा जाए और फिलहाल इस पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक जो है इंडिया और ऐसे सिमिलर कंट्रीज को इसमें जो है एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा जाए। तो फिलहाल इसमें यह कहा गया है कि जो एक्चुअल में हमारा अगर अमाउंट वाइज देखेंगे, आप अगर परसेंटेज को छोड़ दें अमाउंट वाइज देखेंगे तो हमारी जो रियल अगर आप कैलकुलेशन करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, तो इसके कंपैरिजन में जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग US और यूरोपियन कंट्रीज उनका जो अगर अमाउंट जाएगा इट वुड बी इवन मोर देन 200 टाइम्स, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम यहां देखते हैं कि वर्टिकल डिवोल्यूशन पर एक बातचीत हुई कि यहां पर जो काफी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया न्यू दिल्ली में कि हमें वर्टिकली जो डिवोल्यूशन होता है जो फाइनेंस कमीशन की तरफ से एक तरह से रिकमेंडेशन आती है उसके बाद से जो
स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर, उनमें जो है काफी मिसमैच है और उससे जो है काफी स्टेट कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसमें हमें फंड्स कम मिल रहे हैं और मिलने चाहिए। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में और आप हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में ये समझ सकते हैं, वर्टिकल में ये हो गया कि टोटल जो टैक्सेस हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उनका कितना पोर्शन यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना पोर्शन रेस्ट ऑफ द कंट्री में, जो जितने भी टोटल आपके स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज है उनके पास जाएगा, ठीक है। तो उस प्रपोर्शन में आप उसे वर्टिकल समझ सकते हैं कि एक आप सेंटर आपको ऊपर वाली हायरार्की में देखेंगे और स्टेट्स एक इक्वल हायरार्की में देखेंगे, और यहां पर आप जब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेट्स के बीच में फिर इसका डिवोल्यूशन किया जाता है कि किस स्टेट को कितना परसेंट मिलेगा और किस यूनियन टेरिटरी को कितना पैसा दिया जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में आता है। तो अल्टीमेटली पहले आपको ये अमाउंट डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन की तरफ से, कि एक बार ये डिसाइड हो जाए कि हाउ मच परसेंटेज वुड बी डिवोल्ड फ्रॉम द टोटल कलेक्टेड टैक्सेस, ओके। तो ये आपको डेटा जो है 15 फाइनेंस कमीशन का पता होना चाहिए, और अभी 16 की जो भी होगी रिकमेंडेशंस वो आपको प्रीलिम्स के बाद ही आनी है, ठीक है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन यहां से दी गई है अभी, तो अभी इस बारे में हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया था, उसमें 15 की सभी इन्फॉर्मेशन भी वहां रखी थी। एवी स्पेशल इशू आप देख लीजिए, एवी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में वहां पर ही अवेलेबल है, तो उसमें डिटेल में मैंने फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन कवर की थी। और यहां पर आप देखेंगे 14 फाइनेंस कमीशन में हमने 42% डिवोल्यूशन की बात की थी, और 15 फाइनेंस कमीशन में हमने वापस से इसे 41% डिवोल्यूशन की बात की थी। और ये 41 डिवोल्यूशन क्यों हुआ था 41%, बिकॉज 1% 2019 में जब आपने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को स्टेट से बाहर लेकर आपने दो यूनियन टेरिटरीज में जब जो है आपने बना दिया, तो 1% जो है पूरी तरह से प्योरली जे एंड के और लद्दाख के लिए रखा था हमने, तो इस वजह से ये कम हुआ था। अदरवाइज ये ट्रेंड जो है वो हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग नहीं रहा पर ये चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इस बार जो है क्या आता है इसमें वो आने वाले टाइम में देखेंगे हम, तो यही इसके ऊपर डिस्कशन है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, लेकिन फाइनेंस कमीशन के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा इस बार, कैसे अपॉइंटमेंट होती है और क्या टेन्योर होती है और किस तरह से काम करने का उनका क्या क्या उनको टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ये आई कि मेक्सिको में जो जकारंडा करके हैं, इनके एक्चुअल में जो ब्लूमिंग होती है वो एवरी स्प्रिंग में वहां पर होती है, लेकिन इस बार कहा गया है कि वो काफी जल्दी हो गई है, और इवन एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी जो है यहां पर जकारंडा की जो है ब्लूम देखी गई है। तो ये एक प्लांट स्पेसी है जिसके जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है इनकी ब्लूमिंग होती है, इनके फ्लावर्स आते हैं, तो ये इनकी फ्लावरिंग है वो काफी जल्दी देखी गई। तो इस पर सबका टेंशन ये आया कि ऐसा क्यों, हाँ कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तो नहीं हो रहा है कि जो ब्लूम हो रहा है अर्ली ऑनसेट ब्लूम जो हो रहा है। तो इस पर आपको जकारंडा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि मेक्सिको से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इंडिया के कंटेक्स्ट में कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से आपसे न्यूज पूछी जा सकती है। अभी जेमिनी रॉय को लेकर कोलकाता में एक एग्जीबिशन हुआ, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी रही है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों टाइम से इनका कनेक्शन है, और ये एक फेमस फीमेल पेंटर रही है, ठीक है, इसलिए भी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनकी अगर टाइमलाइन देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके बारे में डिस्कशन एनसीईआरटी में भी मिलता है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर ये एक डिटेल डिस्कशन वहां नहीं है, लेकिन जितना यहां पर बताया गया है वो एक बार देख लें। 1887 में इनकी बॉर्न है बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से, और वहां से ये इनको एक वन ऑफ द इंडिया अर्लीस्ट मॉडर्निस्ट माना जाता है। वहां से इनको 1935 में देखा तो वायसराय का गोल्ड मेडल मिला हुआ है, 1955 में इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, और 1956 में ललित कला अकादमी की फेलो भी ये इलेक्ट हुई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट इनकी रही है। साथ में आपको ये भी आइडिया रहे कि इन्होंने काफी जो है इनके आर्ट वर्क भी रहे हैं, तो वो भी ध्यान रहे, और एक बहुत ही फेमस पेंटर है अपने टाइम की रही है, ठीक है। तो जितना यहां पर है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम एनसीईआरटी से देखेंगे।
इसके बाद देखते हैं कि आईसीएआर की तरफ से एक गार्डन पी की नई जो है वो वैरायटी आई है, जिसको कि काशी तृप्ति बोला गया है। और काशी तृप्ति क्यों बोला गया है, इससे आप ये देख सकते हैं कि जो वाराणसी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है आईसीएआर के अंदर, उसकी तरफ से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। इसलिए इसको काशी वाराणसी के बेसिस पर काशी तृप्ति बोला गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये एक अच्छा जो है एक नई वैरायटी जो है काफी कंपैरेटिवली काफी एडवांस है, काफी सूटेबल है और इसकी काफी अच्छी जो काफी खासियत बताई गई है और काफी हेल्दी है, ऐसा ये सब चीजें इस आर्टिकल में बताई गई है। तो वो सब चीजें ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में ऐसा कंपैरेटिवली आता है तो आप देख सकते हैं। इसमें ये भी है कि इसकी एक तरह से आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, और अगर डिजीज वगैरह से अगर आप देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली जो है कम अफेक्ट होगी। टेम्परेचर वगैरह के केस में भी देखा गया है कि ये हाई टेम्परेचर्स पर भी जो है ये अपना आपको जो है सेफ रख पाएगी, या बहुत ज़्यादा नाइट में जो टेम्परेचर है वो सब भी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पर ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था, ठीक है, कि इंस्टीट्यूट का नाम तक पूछ लिया गया था, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बारे में इन्फॉर्मेशन होना। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखते हैं, ये कच्चा तीवू से लेकर न्यूज है कि द नेगिंग प्रॉब्लम ऑफ कच्चा तीवू, द हिंदू से न्यूज है। तो कच्चा तीवू के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी और रिलेवेंट सी नहीं रह जाती। ये आप देखेंगे तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, एक्चुअल में इंडिया ने जो है ये गिफ्ट कर दिया था श्रीलंका को, और ये अब श्रीलंका का ये एक आइसलेट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रामेश्वरम है तमिलनाडु में, उससे केवल और केवल ये 14 नॉटिकल माइल्स के आसपास ही जो है इसकी डिस्टेंस है, यानी कि बहुत ही नजदीक में है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी बार इश्यू होता रहता है, जो फिशरमैन जाते हैं और उनका काफी बार जो है श्रीलंकन नेवी की तरफ से उनकी अरेस्ट भी हो जाती है और फिर से इनको छुड़ाया जाता है और फिर भी ये दोबारा उधर चले जाते हैं, क्योंकि इनको एक अंदाजा नहीं होता है, काफी पास पास में होने की वजह से वो एक तरह से इंटरनेशनल जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इस वजह से ये चलता रहता है इश्यू, और इस वजह से काफी बार जो है ये न्यूज में रहता है। तो कच्चा तीवू को लेकर कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि पाक स्ट्रेट के एरिया में है और पाक स्ट्रेट की जगह कच्चा तीवू को पूछा जा सकता है, क्योंकि पाक स्ट्रेट तो ऑलमोस्ट सबको आइडिया होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखें आप, पाक स्ट्रेट या पाक बे। आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूज है कि लीप ईयर को लेकर, लीप ईयर से रिलेटेड है कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है और ये एवरी 4 ईयर पर ही क्यों आता है, और इस बार जो 2024 है वो लीप ईयर है। तो इस कंटेक्स्ट में ये देख लें कि लीप ईयर का मतलब है कि फरवरी में एक डे जो है एक्स्ट्रा होगा। नॉर्मली फरवरी 28 डेज की होती है, इस बार 29 तक हुई, आज तभी हम 29 का न्यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये हुआ कि ये लीप ईयर हो जाता है, तो इसमें ये जरूरी हो जाता है कि नॉर्मली जो अर्थ का जो देखा जाता है टोटल, अगर आप सोलर कैलेंडर में इसका कि सन के अराउंड जो एक पूरा का पूरा राउंड है उसका टाइम पीरियड देखते हैं, तो इस 365 डेज एग्जैक्टली ना होकर इसके साथ में एडिशनल 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकंड का जो है वो पीरियड वो लेता है, ठीक है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए ये किया जाता है कि इसको जब आप अराउंड 24 आवर्स का पीरियड आप देखेंगे इन दी 4 ईयर्स, ठीक है। तो एवरी 4 ईयर में जो एक डे है ये अलग से आप जो है फरवरी मंथ में ऐड कर देंगे, क्योंकि फरवरी में जो डेज होते हैं कंपेरेटिवली सभी 12 मंथ के अगर आप कंपेरिजन में देखें तो उसमें आप सबसे मिनिमम डेज देखते हैं, इसलिए उसी मंथ में इसको ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई और कंसेप्चुअल चीज या कोई और चीजें जो हैं वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं रह जाती हैं, उनके बारे में देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक कंसेप्चुअल आता है, अदरवाइज क्वेश्चन आने की कोई अलग से कोई और प्रॉबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये आप देख सकते हैं 12th century AD के आसपास से बताया जाता है, जूलियस सीजर ने 46 BC में जो है इसके बारे में किया था, और इसकी प्रेसाइज अगर आप देखें प्रेसिशन वो 1280 तक जाकर आया था, ठीक है। तो ये नॉट दैट मच रिलेवेंट, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा ये वाली इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स इन जनवरी विटनेस्ड स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन 9 मंथ्स, और वो वजह हमने देख ली है रेड सी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि जो हमारे ऑयल एक्सपोर्ट्स थे या ऑयल प्रोडक्ट्स थे उनके भी डिप आया, वो हमने अभी देखा 2 दिन पहले, और अब नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी डिप आया, और उसकी मेन वजह वही है रेड सी क्राइसिस, हाउती अटैक्स, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां से जो ट्रेड होना है वो बंद हो गया है फ्रॉम द स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल से जब आप ट्रेड बंद करेंगे तो आपको पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट को जो है उसके नीचे से होकर जब जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कोस्ट इंक्रीज होंगी, और जब कोस्ट इंक्रीज होंगी तो
वहां पर जो है अल्टीमेटली आपके जो यूरोप में जो इम्पोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, और उसकी वजह से वहां पर काफी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं काफ़ी सारे ऑर्डर्स कैंसिल होने से। तो एक्सपोर्ट्स अल्टीमेटली हमारा जो डेटा है एक्सपोर्ट्स का या जो फिगर है वो ड्रॉप करेगा। तो ये दोनों में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी और नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दोनों में ये डिप किया है, ये एक रिसेंट इसका इफेक्ट देखें तो वो देखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देखते हैं, दैट मोस्टली रिड्यूसेस नंबर ऑफ जीडीपी एस्टिमेट्स टाइमलाइन बाय अ ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कोई ताजुब नहीं होना चाहिए, हर किसी तरह की एग्जाम में ये देखा जाएगा, तो ठीक है ऑब्जेक्टिव में यूपीएससी में भी और बाकी रेगुलेटरी एग्जाम्स में भी। क्योंकि अब तक क्या होता था कि हम टोटल 6 एस्टिमेट्स लेकर आ जाते थे जिनमें से 3 एडवांस एस्टिमेट्स होते थे और 3 बाद में एस्टिमेट होते थे, ठीक है। तो जो थर्ड एस्टिमेट एंड में आता था उसको फिर फाइनल उस डेटा को मान लिया जाता था, और थर्ड एस्टिमेट जो आता था वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 इयर्स के बाद आता था, ठीक है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने कहा कि जो ये हम है इसको 5 ईयर ही रखेंगे, जिसमें 3 एडवांस एस्टिमेट रखेंगे और उसके बाद जो फाइनल एस्टिमेट है वो 2 ही रखेंगे हम, ठीक है, या जिसको ये रिवाइज्ड एस्टिमेट बोलते हैं। जो तीसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट अभी 2021 का अब जाके आया है, यानी कि आप 2020 का जो ईयर देखेंगे वो एंड हो गया आपका मार्च 21 को, ठीक है, और आप इसका डेटा देखेंगे तो आप मार्च 22, 23 एंड 24, तो अब जाकर क्योंकि इसका एडवांस एस्टिमेट आप 22 में देखेंगे फिर यहां, तो एक बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो इसको कहा गया है कि हम 2 ईयर का ही टाइम पीरियड लेंगे। तो ये अभी आया है जो एडवांस एस्टिमेट, ये लास्ट होगा 6th एस्टिमेट वाली सीरीज में, उसके बाद से हम टोटल 5 एस्टिमेट रखेंगे जिसमें 3 एडवांस एस्टिमेट होंगे और 2 रिवाइज एस्टिमेट होंगे, क्योंकि वो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद जो भी डेटा आएंगे उनको रिफाइनमेंट करके जो है रिवाइज किया जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जो आते हैं, ये वहां पर भी एनएसओ की तरफ से ये डेटा लॉन्च होते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से, और ये जीडीपी कैलेंडर में आप देखें तो ये सेकेंड चेंज है आफ्टर 2023। वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पर गवर्नमेंट ने ये किया था कि उन्होंने कहा कि जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट होता है वो पोस्ट बजट जो है वो आएगा, ठीक है, ऑन फरवरी 28 टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। तो एडवांस एस्टिमेट के कंटेक्स्ट में भी ये कहा गया है कि आपका जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आता है वो कब आना चाहिए, वो आपको बजट के बाद में लाइए फरवरी 28 को, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब बजट लॉन्च किया जाएगा करंट ईयर का तो उसका और इनका आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि बजट आप लॉन्च कर देंगे 1 फरवरी को ही, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम देखते हैं, दैट नेपाल इंडिया ने अभी ऑफिशियल डायलॉग हुआ, लेकिन उसमें जो है जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, बाकी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर हमारी सहमति बनी है। तो वहां की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी इंडिया की विजिट पर थी और उस दौरान जो है ये न्यूज में आया कि जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उस पर फिलहाल अभी तक भी सहमति नहीं बनी है। तो बस इसमें इतना ध्यान रखें कि पंचेश्वर को करके ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा हो रही है, तो उसमें ये ध्यान रखें कि नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो पीएम किसान स्कीम है उससे रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है कि अभी इसकी 16th इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज कर दी है, ठीक है, तो ये डीबीटी के थ्रू जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जाती है, और ये 2000 रुपीज की एवरी इंस्टॉलमेंट जाती है, और इन अ सिंगल ईयर ये 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ऑफ 2000 ईच, तो टोटल 6,000 रुपीज जो है वो बेनिफिशियरी फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसको इस तरह से आप ध्यान में रखें। लॉन्चिंग की बात करें तो वो भी आपको पता होना जरूरी है कि लॉन्च कब किया गया था, 2018 में दिसंबर से इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मानी जाती है, ठीक है, 2018 का दिसंबर मंथ से इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मानी जाती है, और ये एवरी 4 ईयर पर जाएगी, ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखें, जैसे आप अभी इलेक्शन के टाइम देखेंगे कि इसमें ये आपकी आचार संहिता जब लग जाएगी, एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट
तो उसके बाद भी जो है इसके इस स्कीम के अंडर जो है आप जो भी बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि जो 17th इसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो भी लॉन्च वो ट्रांसफर की जाएगी। और उसकी वजह यह है कि ये ऑनगोइंग स्कीम है, ठीक है, ऑलरेडी ये जो है वर्किंग है। अगर कोई नई स्कीम होती तो वो यहाँ पर लॉन्च नहीं की जा सकती थी, ये भी आपको आइडिया होना जरूरी है। और अगर इसमें ये देखें कि हाइएस्ट, अगर आप देखें हाइएस्ट नंबर ऑफ वीमेन फार्मर्स तो वो यूपी में ऐड किए गए हैं, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान और फिर मणिपुर में। और अगर मेल फार्मर्स में देखें तो अभी बताया जा रहा है कि 30 लाख के आसपास जो है इसमें मेल फार्मर्स को ऐड किया गया है, और फीमेल फार्मर्स जो हैं वो मोर देन 10 लाख हैं। तो अगर आप टोटल एडेड बेनिफिशियरी अगर देखेंगे तो इसमें 40 लाख के आसपास अभी लेटेस्ट जो ड्राइव चलाई गवर्नमेंट ने उसमें ऐड किया है, ठीक है, जो रिसेंट सेचुरेशन कैंपेन थी। तो ये इतना रिलेवेंट नहीं हो जाता, वो टोटल बेनिफिशियरी का एग्जैक्ट नंबर जो है वो अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि इसमें कम ज्यादा होता रहता है। तो ये वाला डेटा अगर आप जो है इस पर ज्यादा ध्यान ना दे तो कोई इशू नहीं है। वैसे 9 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट एक लमसम डेटा बताती है। उसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई से न्यूज, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि आरबीआई ने ट्वीक किया है कि जो फ्रेमवर्क फॉर सैंडबॉक्स इनोवेशन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें दो चीजें समझना जरूरी है। एक तो कि सैंडबॉक्स एक्चुअल में क्या है, तो ये क्या है, और इसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्यों बोला गया। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड या रेगुलेटरी बॉडीज बैक्ड एक कंट्रोलिंग टेस्टिंग एनवायरमेंट होता है फॉर कंपनीज टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है, इन ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आप किसी नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे और उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्ट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, फिर जो डेटा जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पर जो है एक जनरल या जर्नलिस्ट वे में जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ये देख सकते हैं कि जो नई स्ट्रक्चर है उसमें ये बताया गया है कि जो ऑन टैप प्रपोजल्स हैं और जो टाइमलाइंस रखी गई हैं उनके लिए वो अभी रिवाइज की गई है। और यहां बताया गया है कि अब आप जो ऑन टैप प्रपोजल्स पर जो आपकी तरफ से इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेज ऑफ प्रोसेस है उसकी टाइमलाइन अब क्या रखी गई है, 7 मंथ से इंक्रीज करके ये 9 मंथ तक रखी गई है, ठीक है। और इट रिक्वायर्स सैंडबॉक्स एंटिटीज टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो नया एक्ट हमने लास्ट ईयर ही लाए थे, डीपी एक्ट, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, उसके साथ इनको कंप्लाई करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चेंजेस इसीलिए कहे जा रहे हैं कि जो आरबीआई का जो कमिटमेंट है इनोवेशन को लेकर उसी के साथ में है, और ये अभी बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स से रिलेवेंट नहीं है। लेकिन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये टर्म ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई थिंक यूपीएससी ने ऑलरेडी ये पूछ भी लिया है, फिर भी ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दैट सिंगापुर श्रिंकिंग पॉपुलेशन, ओके, कल हमने क्या देखा था 28th of February में कि जापान की जो है वो रिकॉर्ड लो मैरिजेस देखी गई वहां पर, और फर्टिलिटी रेट नीचे जा रही है, काफी चैलेंजिंग हो रहा है उनके लिए। अब सिंगापुर से सिमिलर न्यूज है, और अभी थोड़ी देर में हम नीचे देखेंगे साउथ कोरिया से भी सिमिलर न्यूज है, इटली से ऑलरेडी हमने देखी है। तो यूरोप में भी काफी कंट्रीज में ये इश्यू हो रहा है, और यहां पर भी फर्टिलिटी रिलेटेड रेट्स कम हो रही है, चाइना में भी ये इश्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बारे में एक ऐसा न्यूज आ सकता है या ऐसी एक क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन कंट्रीज में ऐसी जो है ये सिचुएशन देखी गई है, ऐसी चीजें जो है वो ध्यान में आई है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो डेटा आया है उसमें ये बताया गया है कि जो हाईएस्ट पेइंग क्रॉप है इंडिया में उसमें शुगर कैन ने टॉप किया है, ठीक है, या उस पर सबसे ज्यादा रिटर्न आए हैं, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न को देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि शुगर कैन ने टॉप किया है। आफ्टर शुगर कैन आप पेडी प्लस वीट है उसको देखेंगे, उन पर मोर देन 50% रिटर्न है। आफ्टर दैट कॉटन एंड वीट है, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन की बात की गई है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें बाकी डेटा जो है वो गवर्नमेंट का डेटा नहीं है तो इस पर इतना ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम दैट आरबीआई ने कंडक्ट किया बैक टू बैक 2 VRRR ऑप्शंस या VRRR ऑप्शंस टू शक लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स। तो ये मैंने कंसेप्ट काफी बार समझा दिया है क्योंकि बार बार होती है। तो इसमें होता क्या है VRR, तो एक आपके पास देखेंगे VRR वर्सेस VRRR, ठीक है। तो इस बारे में आपको अच्छे से ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि ये कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो जब आरबीआई की तरफ से VRR होता है
तब तो आप देखेंगे इसको कि ये वर्चुअल रेपो रेट होता है, ठीक है, वर्चुअल रेट रेपो। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है मार्केट में जब क्राइसिस आ जाता है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी कम होती है, तब आरबीआई की तरफ से मार्केट में जो है पैसा जब, या एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जाती है बैंक्स को, तो वो वेरिएबल रेट रेपो पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें क्या होता है कि बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, और ये जनरली जो है 2 वीक की विंडो रखी जाती है। जब आप रेपो रेट में के ऊपर लेंगे तब तो ये ओवरनाइट ही जो है अवेलेबल होगा, पर इसमें जनरली आप 2 डेज से लेकर 2 वीक तक जो है इसमें अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो जाए तब आरबीआई क्या करता है, मार्केट से लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए और एडिशनल लिक्विडिटी को वापस सिस्टम से बाहर लेने के लिए क्या करता है, VRR जो इसके जस्ट अपोजिट होती है, वेरिएबल रिवर्स रेट रेपो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जब वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो होती है, इसमें रेट्स एक्चुअली में वेरी करती हैं, आप नाम से ही समझ सकते हैं, और इसमें आरबीआई क्या करेगा कि मार्केट से जो एडिशनल अमाउंट है उसको फ्रॉम 2 डेज टू मोर देन 2 डेज टू टिल 2 वीक क्या करेगा, अपने पास जो है ये बैंक से वापस ले लेगा, और इसकी वजह से जो है इसकी रेट जो होंगी वो वेरिएबल रिवर्स रेट रेपो पर होंगी, क्योंकि जो आपकी देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट है और इसमें रेपो रेट है एग्जैक्टली उस पर ये नहीं होता है, ये ध्यान रखें, यहां पर उससे कम रेट पर, यानी कि ये जनरली जो है वो कंपेरेटिवली रिवर्स रेपो रेट से कम होता है और यहां पर ये रेपो रेट से ज्यादा होता है। और इसका एक और रीजन होता है कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में हुई आपके पास, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक्चुअल में वो 6.25 एट प्रेजेंट है, जो कि अभी का डेटा है, तो जो SDF जो बैंक की तरफ से डिसाइड की हुई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में, उससे भी नीचे जो है रेट्स चली जाएगी, तो मार्केट में जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आपने वहां पर कमी आ गई है लिक्विडिटी की, फंड्स कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी स्टैंडिंग फैसिलिटीज है MSF वाली, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो जो RBI की तरफ से जो रेंज रखी गई है 6.75% पर, ये इससे ऊपर चली जाएगी, यानी कि लोन कॉस्टली हो जाएंगे, फंड्स कॉस्टली हो जाएंगे, लिक्विडिटी जो है इजीली अवेलेबल नहीं होगी या फिर हाई कॉस्ट पर अवेलेबल होगी, तो उसकी वजह से मार्केट एक्टिविटीज हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, और यहाँ पर जो है रूपी के वीक होने का रीजन होगा जब ज्यादा पैसे होंगे मार्केट में, तो ये दोनों ही चीजों को जो है कंट्रोल करने के लिए ये चीजें होती हैं। जब आप यहाँ पर इस केस में क्या करेंगे कि जब फंड्स नहीं है तो VRR करेंगे, और जब फंड्स बहुत ज्यादा हैं तो आप VRRR करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और आप अगर ये देखें कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और MSF का कंसेप्ट, तो इसको मैं बार बार बताता रहा हूं कि, और इस पर तो एक आर्टिकल मैंने पूरा डिस्कस किया था, क्योंकि इस बार रेपो रेट के 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, अभी अप्रैल में ही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर ये समझें कि आपने रेपो रेट जो है RBI की तरफ से ये डिसाइड की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। तो ये अगर इस बार अभी 6.5 पर है, तो यहां पर ये रखा गया है कि जो पॉलिसी बैंड है उसमें यहां पर आपको 0.25% के इंक्रीमेंट पर और 0.25% के डिक्रीमेंट पर, तो यहां पर क्या रखेंगे आप, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और यहां पर रखेंगे आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपने SDM को इसका पार्ट बनाया था 22 में, ठीक है, और इससे पहले यहां पर रिवर्स रेपो रेट हुआ करती थी, पर आपने इसको यहां से डीलिंग कर दिया और अब रिवर्स रेपो रेट तो जो है वो जस्ट 3.35% ही रह गई है, ठीक है। तो ये एट प्रेजेंट जो है ये 6.75% होगी और ये 6.25% होगी। इनके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैंने बात की थी कि आप बेटर इसमें जो है ठीक से RBI जो है रेगुलेट कर पाता है रेट्स को, और ये मार्केट फ्रेंडली कंसेप्ट है, तो इसके चीजें भी मैंने डिस्कस की हुई हैं। इस पर एक आपके साथ जो है क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है और फैक्चुअली क्वेश्चन भी यहां से आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अभी गवर्नमेंट ने यह बताया कि हम कितना वीट जो है वो प्रोक्योर करेंगे, कितना इस ईयर में रखेंगे, जो अभी वीट आने वाला है मार्केट में, तो उसके टारगेट बताए हैं कि हम 35 मिलियन टन तक जो है 2024-25 में जो है गवर्नमेंट वीट प्रोक्योर करने की अभी जो है इन्होंने टारगेट रखा है। अब इसमें यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि जो और आगे न्यूज आएगी वो हम देखेंगे, फिलहाल इतना ही है। इसमें अगर देखें कि किस स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन हुए हैं, ये डेटा अभी आने बाकी है, क्योंकि अभी क्रॉप जो है वो
अभी तो इनका टाइम जो है अभी आप मार्केट में वेट के आने का टाइम नहीं हुआ है, तो ये अभी अप्रैल से हम देखेंगे इस बारे में। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि रीस्टोर डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, बार बार ये डिस्कशन हो रहा था और मैंने इस बारे में बताया आपको कि जो अभी टोटल 7 मेंबर होने चाहिए वहां पर अभी सिर्फ 4 हैं, 3 मेंबर्स की वैकेंसी है और ये जब तक यूनाइटेड स्टेट्स इसको अलाउ नहीं कर देते तब तक ये होगी नहीं, क्योंकि सभी की कंसेंसस पर ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है मेंबर्स की। ठीक है, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्विज है और ये नेशनल साइंस डे के ऊपर जो क्विज थी यानी कि फरवरी 28 को, तो वहां पर कुछ साइंटिस्ट से लेकर ये क्विज थी उसको देखते हैं और ये द हिंदू से ही है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो इंडियन फिजिसिस्ट विच हु इज स्पेशलाइजिंग इन थ्योरिटिकल फिजिक्स, ओके, एंड ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क विद आइंस्टाइन, नेम द साइंटिस्ट एंड व्हाट इज द थ्योरी कॉल्ड। तो ये कौन हुआ करते थे, एस एन बोस या सत्येंद्र नाथ बोस हुआ करते थे और उन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी जो है वो दी थी। द नेक्स्ट वन इज द साइंटिस्ट पायनियर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, इन्वेंटेड द क्रिस्टोग्राफ एंड क्रेटर ऑन द मून वॉज नेम्ड इन हिज ऑनर, आइडेंटिफाई हिम, और ये थे जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट वन, वाइडली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दिस मैन वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द एटमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट विच वॉज लेटर रीनेम्ड इन हिज ऑनर, नेम द साइंटिस्ट, और ये है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, आफ्टर दैट रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ही इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी ऑफ नाइट्राइट केमिस्ट्री, तो ये कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र रे है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। नेम द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु हैज रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये आप ध्यान रखें, सीवी रमन को आपने देखेंगे तो मेडिसिन में मिला है, सॉरी सीवी रमन के बारे में आप देखेंगे, ये सभी साइंटिस्ट की बात है पर मैं इनको पर्टिकुलरली बताऊं तो सीवी रमन को फिजिक्स में मिला हुआ है, हरगोविंद खुराना को बायोलॉजी में मिला, मेडिसिन में मिला हुआ है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है और वेंकी रामाकृष्णन है। ठीक है, आफ्टर दैट देखते हैं कि मेघनाथ शाह वाज एन इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु विथ हिज डिस्कवरी अलाउड एस्ट्रोनॉमर्स टू एक्यूरेटली रिलेट द स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार्स टू देयर एक्चुअल टेम्परेचर्स, तो इसे क्या बोला गया एक्चुअल में, तो ये इनका साहा आयनाइजेशन इक्वेशन हुआ करती थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें और इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि ये कौन सी वीमेन साइंटिस्ट रही हैं और किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये जानकी अम्मल करके हुआ करती थी, बॉटनी और साइटोलॉजी से इनका रिलेशन था। ठीक है, ये इतना रिलेवेंट नहीं हो जाता बट बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट हम इसको रैपअप करते हैं आज को सेशन को विद द वर्ड ऑफ द डे, द फर्स्ट वन इज स्टोजी विच मीन्स द हैवी एंड स्टार्ची एंड हार्ड टू डाइजेस्ट, ओके, और द आउट ऑफ फैशन, एंड सिमिलरली यू कैन सी द अदर वन इज दैट इज डिनोमेंट, ओके, या डिनोमेन इसका अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो इसके साथ आज का डिस्कशन यही एंड करते हैं, कंटिन्यू करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड